दर्दनाक घटना पानी में। थोड़ा सा पानी गिरा और हवा थी, ज्यादा हवा नहीं थी, इतना नुकसान टेम्पो गया, इसके साथ में एक जान चली गई। असंभव असंभव, कौन पड़ा है मेरे झुमके के पीछे? नहीं प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब नाउ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बजे हैं दिन के 12 और बारिश ने बजा दिया गेम। मैं जा रहा था जस्ट के लिए, लेकिन बारिश मुझे लाने नहीं देगी। तो गाइस मैं काम में लगा हुआ था, सुबह से नहाया धोया, खाना वाना खाया, तो मुझे टाइम मिला था तो पोस्टर को लिखता रेडी करता, तो ये बारिश मुझे नहीं लेने देगी क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है दुकान, इसलिए से देखता हूँ मैं कुछ और जुगाड़ करता हूँ, क्योंकि छाता मेरे पास अभी यहाँ पर है नहीं। A few moments later. गाइस करंट लोकेशन मेरी सूरत है और बारिश ने मेरा गेम बजा दिया। मेरी जिंदगी में बारिश और लड़की ऐसे ही गेम बजा देती है। 1.5 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ ताकि ये बारिश कम हो ताकि मैं पोस्टर लेके आऊँ और पोस्टर को लिखकर यहाँ पर वहाँ पर रखकर लिखकर उसको रेडी करूँ, लेकिन ये मेरे से आज नहीं होगा। मैं कर सकता हूँ लेकिन बारिश मेरा गेम बजा दिया पूरी तरीके से। मैं पोस्टर लेने के लिए दूर जाना पड़ता है यहाँ से, यहाँ पोस्टर नीचे नहीं मिलता है। और अभी हमें जो बिल्डिंग है ना, मकान है, इसका नाम है अल्फाज होटल, जो कि 6th फ्लोर पर है। अब इससे नीचे जाएंगे, नीचे से उतर के फिर आगे जाएंगे, तब स्टेशनरी की दुकान आए थे, तब वहाँ से मैं पोस्टर लाता हूँ, तब लिखूंगा, तब बनाऊंगा। यानी कि बारिश के मौसम में पोस्टर बनाना मेरे लिए हो गया बेहाल क्योंकि अगर पोस्टर बनाने लगा बारिश आ गई तो पोस्टर गीला, मैं भी गीला, और मेरे पास इतना व्यवस्था यहाँ पर है नहीं है कि तुरंत कपड़े चेंज कर लूँ, दूसरा पहन लूँ, समझ रहे? जितनी कड़की कंजूसी या जितना बोलते ना लड़कों पर दर्द, यार बोलते ना एक बात के 100 दर्द छुपे हैं छीने में, फिर भी अलग मजा है इसके जीने में। वास्तव में ये खानी नहीं है, हकीकत है, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मैं फिर भी हंस देता हूँ, मुस्कुरा देता हूँ, इतने दर्द अगर गिनाने लगूँ ना तो शायद कम पड़ जाए पूरा दिन में यार, लेकिन इसके बावजूद भी हंसकर जीना, घर वालों से अच्छे से बात करना ताकि उनको टेंशन ना हो कि लड़का मेरा कैसा है। फ़ोन पे बात करता हूँ तो मैं बता देता हूँ, मस्त मम्मी पापा देखो 6th फ्लोर पे रहता हूँ मैं, और दिखाता हूँ सामने की, मैं देखो सामने इंटरनेशनल बिल्डिंग है बड़ी वाली, हालांकि उस बिल्डिंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, 1 रुपये की चाय नहीं पी सकता हूँ मैं उसके अंदर। और सामने इस होटल को दिखा देता हूँ, इंटरनेशनल है ये भी, तो ऐसे ही बड़ी बड़ी होटलों को दिखा के घर वालों को भेला फुसला देता हूँ। शायद मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जैसे भी ठीक हूँ इस हाल में, तो बने रहिए आज मेरे साथ यार। देखता हूँ पोस्टर में रेडी कर सकता हूँ नहीं, फिलहाल मैं वीडियो को एडिटिंग करता हूँ। और नाइट में गाड़ी हमारी पैक थी पूरी, तो मैं लेट सोया था, तो 1 कलाक 2 कलाक गुजराती में बोलते हैं, 1 कलाक 2 कलाक 2 कलाक, तो हिंदी में बोलते हैं 1 घंटा 2 घंटा। सो लेता हूँ, तो बाय बाय, गुड नाइट। सो हे गाइस, अभी बज गए 4 और मैं काफ़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ कि कब 3 बज जाए मैं बाहर निकलूँ, 3:30 बज जाए बाहर निकलूँ, 4 बज जाए बाहर निकलूँ, 4:30 बजे बाहर निकलूँ, 4:30 बजने वाले हैं और देख सकते हैं क्या मौसम है यार। ये कुछ भी टाइम नहीं दे रहा है कि मैं बाहर निकलूँ और थोड़ा काम के लिए मतलब भटकूँ, पोस्टर लाऊँ। अब ऐसे में मेरे साथ प्रॉब्लम है, अगर गाइस मैं पोस्टर लेने भी चल जाऊँ ना तो प्रॉब्लम ये, मैं पोस्टर को रेडी भी कर सकता हूँ लेकिन उस पर मैं वीडियो शूट नहीं कर सकता हूँ। बारिश का मौसम बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मैं भी आप वीडियो शूट करता ना, वहाँ पर कोई ऐसा मतलब छत्र छाया नहीं है जहाँ पर मैं वीडियो को शूट कर सकता हूँ। वहाँ पर जगह कुछ ऐसी है कि रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे खड़ा होना पड़ता है, जिसका मुझे याद करना नहीं है। तो ये बारिश लगा है, आप देख सकते हो काफ़ी तेज़ यहाँ पर बारिश है। अब ऐसे बारिश में हम नहीं निकल सकते हैं, मुझे तो लगता है कि ऑन ड्यूटी कराने के लिए भी मुझे छाता की व्यवस्था करना पड़ेगा, और फिलहाल मेरे पास यहाँ पर कोई छाता भी नहीं है। तो कोई ना, 1 से 2 घंटे के लिए और इंतजार करते हैं, क्योंकि ऑन ड्यूटी कराने हम 7 बजे के बाद जाते हैं, तो फिलहाल थोड़ा सा वेट और करते हैं। और क्या बारिश है यार, हमें मतलब नीचे जाने से ही रोक दिया इसने तो, यानी कि टोटल कुल मिलाकर हमारा गेम बजा दिया। तू है गाइस, मौसम तो काफ़ी स्पष्ट हो चुका है, देखो करीब इस प्रकार का है, यानी बारिश बिल्कुल भी नहीं है, वीडियो को मैं आराम से शूट कर सकता हूँ। आपने कहावत सुनी होगी, सब कहने की बात है, कोई किसी का साथ नहीं देता। ये सही है, मेरा भी एक दोस्त मेरे साथ था 3-4 दिन से, तो स्टेशन पे जब मैं वीडियो शूट करता था तो कैमरामैन बन जाता था, पकड़ता था, अच्छे से शूटिंग लेता था, आज वो भी चला गया। तो बिना टाइम वेस्ट करने खुद जाता हूँ, वीडियो को मैं पहले भी शूट करता था, इस प्रकार अब भी करूँगा। और आज का थोड़ा कॉमेडियन वाला है, लेकिन नेक्स्ट लेवल में अगले दिन तो थोड़ी लिखूंगा, काफ़ी स्पेशल टाइप का लिखने वाला हूँ, वो एक मोटिवेट टाइप का, देखते हैं मोटिवेटेड पब्लिकों का क्या रिएक्शन रहता है और किस तरह का वो व्यवहार या बर्ताव मेरे साथ करते हैं। तो अभी बाय बाय।
गाइस देखो पोस्टर मैंने रेडी कर लिया है, पहले से था वही वाला लिखेंगे क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला नेक्स्ट पोस्टर बनाने के लिए। तो हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं ना, एक झलक उसकी दिखाना चाहता हूँ आपको। आलीशान बिल्डिंग देखो, ये ऊपर का है 8th फ्लोर, लास्ट ऊपर है, हम रहते हैं 6th फ्लोर पर जो कि इस रास्ते से जाता है। और यहाँ से नीचे का नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखता है। हमारा आना जाना हमेशा लिफ्ट से होता है, सीढ़ियों से नहीं होता है, क्योंकि हमारा सीढ़ियों से होने लगेगा ना तो हम रोटी मोटी बांध के ले जाएंगे, रास्ते में खाएंगे, फिर रास्ते में चढ़ेंगे, फिर रास्ते में खाएंगे। कौन है, कहाँ से आते हैं? हे गाइस, मैं वीडियो को शूट कर रहा था लेकिन मैं वीडियो को शूट नहीं करूंगा क्योंकि आज हमारे ट्रेन जल्दी बुलाने वाले। ये देखो सूरत का रेलवे स्टेशन है मेन, कितना आलीशान है और इसको और अलग से नया लुक देने वाले हैं। मैं सोचा था वीडियो को शूट करूं लेकिन क्या हुआ, पानी गिर जाएगा कभी भी तो फिर ऑन ड्यूटी में रुक जाएंगे, ऑन ड्यूटी में रुक जाते ड्यूटी पे जाना रुक जाएगा, ड्यूटी पे से रुक गई तो फिर पगार का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मैं जाता हूं पहले ऑन ड्यूटी कराता हूं, हो सके तो मैं शाम का शूटिंग लूंगा, अभी तो मैं नहीं ले रहा हूं, अभी तो सीधा जाता हूं। क्या यार सब दुख परेशानी वाला काम है, इतना लंबा गाड़ी है पूरा 1 किलोमीटर का और कोई सा भी गेट नहीं खुला है, ऊपर से आता तो 4 नंबर प्लेटफॉर्म बिल्कुल बंद है, तो मैं नहीं आ सकता। ऐसे गुल्ले से निकल गया है तो पोस्टर भी गंदा हो गया और मेरी शर्ट भी गंदी हो गई। कोई बात नहीं, अगर बारिश के बाद घनघोर बारिश हो जाए इसके बाद में अगर कहीं पे अच्छा लगता है तो वो लगता है रेलवे स्टेशन पर प्लेट की पटली ऊपर, क्योंकि यहाँ पर पानी और जो कचरा रहता है ना, चलने की दिक्कत नहीं आती, चाहे कितना ही पानी बरस जाए नीचे निकल जाएगा, साइड में निकल जाएगा और इतना अच्छा लगेगा वहाँ पर, गंदगी बिल्कुल भी नहीं दिखेगी और एकदम मस्त झकास। A few moments later, 5 मिनट नहीं आता ना ये पानी तो अपन लॉन्ड्री पहुँच लेते हैं, ऑन ड्यूटी हो जाती, सब काम हो जाता, लेकिन 5 मिनट में तो इसको आना था। चलो चाय पी लेते हैं, गेम क्या वजह, अब अपन अब सोच करके भी क्या उकाल लेंगे, पानी आएगा ही सही, अपन लेट हो ही सही, रुकना पड़ेगा वो तो, चाहता है नहीं कि जल्दी नहीं कि निकल लें, थोड़ा लेट होएंगे 1 घंटे और क्या होगा इससे ज़्यादा। गाइस वापस बारिश हो गई समाप्त, तो हम जा रहे हैं ऑन ड्यूटी कराने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें डर है बिल्कुल, दूर दूर तक कोई दुखने का साधन नहीं है, अगर पानी आएगा तो हमें अपने मोबाइल को भी जाएगा, हमें भी जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, मोबाइल का नुकसान होगा तो प्रॉब्लम रहेगी, तो यहाँ से भागना पड़ेगा। और गाइस क्या यार कभी मन नहीं करता है, वैसा सब परेशानी वाला जो मैटर सब ये 12 घंटे की ड्यूटी, जिंदगी के 12 बजा दिए, अब तो ऐसा लगता है कभी इसको छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए और करते हैं अब। तो यार आई होप आज का वीडियो ये पसंद आया होगा, अगर आज के वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो आपको कैसा लगा और आप मेरे वीडियो को कहाँ से देखते हो, क्योंकि आज मैंने फाइनली वीडियो शूट एक ही बार किया है, इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि बारिश टाइम देने नहीं है, तो हालांकि समय समय पर वीडियो नहीं आएगी लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं समय समय पर वीडियो डालता रहूं। तो अब चलते हैं ऑन ड्यूटी कराते हैं, यहां से भाग के चलना पड़ेगा नहीं तो पानी, चल भाई। A few moments later. So guys, एक दर्दनाक घटना, पानी में थोड़ा सा पानी गिरा और हवा थी, ज्यादा हवा नहीं थी, इतना नुकसान टेम्पो गया, इसके साथ में एक जान चली गई, अब पता नहीं वो आदमी कौन था कौन नहीं, अभी जस्ट सुना जस्ट लॉन्ड्री के बाहर बाजी। तो यार इस बार मैं वीडियो से कहना चाहूँगा अपने अपने व्यवस्थित घरों में पेड़ पौधे को कटिंग कर लिया जाए, ज़्यादा बड़े बड़े हो तो, ये पेड़ का ही कमाल है, पेड़ से देखो ये पूरा और आदमी भी। A few moments later. अरे गाना गाते हैं पहले, खुशी की बात है ना, एक सेकंड ना, 26 पूरा खाली, कौन पड़ा है मेरे झुमके के पीछे, अंगूरी 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 चमक चम चम के अंगूरी बदन खुशड़ी के बाद। गाइस ये खुशी थी मेरे B6 का कोच खाली, एक भी सीट पे एक भी पैसेंजर नहीं है, ये सिर्फ कोच के अंदर पूरे बेहतर ही बेहतर सीट पे मेरा सोना रहेगा और इनका सोना रहेगा, इनके कोच में भी फिर भी है, पूरी गाड़ी में सभी कोच में कोई ना कोई पैसेंजर है लेकिन मेरी गाड़ी में एक पैसेंजर नहीं है, आज तो आनंद आ गया। गाइस हमारे को जाना का रहेगा, अभी हम लोग है ना अभी मोवा जा रहे हैं, फिर वापस आके बुधवार के दिन ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर इतना उसका स्पेशल ब्लॉग बनाएंगे, 4 दिन की 5 दिन की 5 दिन 5 दिन का हमारा ट्रिप रहेगा, इस कदर बनाएंगे गाइस, तो वो वीडियो तो देखना बिल्कुल ना भूले, एकदम बढ़िया रहेगा, उधर का कल्चर दिखाएंगे, संस्कृति दिखाऊंगा, रेलवे स्टेशन से कहाँ कहाँ से गुजर के जाती है, हमारा साउथ कैसे कैसे लोग रहते हैं, पूरे 5 राज्य का राउंड लगा के हम आते हैं गाइस, तो वो वीडियो तो बिहार तक जाएंगे ना, वहाँ पे रोटी या मिलती है, अंगूरी अंगूरी अंगूरी। गाइस बाय बाय, गुड नाइट, मैं अभी से आज तो मैं अभी से गुड नाइट होऊंगा और 3 महीने के अंदर आज मैं सुखी से चैन की नींद सोऊंगा, अभी सोता हूँ जस्ट, कोई काम ही नहीं है तो क्या देखने का, कोई कंप्लेंट होगी तो, आज तो बिंदास 8 घंटे की प्रॉपर नींद पूरी करूंगा। या गुड नाइट, बाय बाय बाय।